ऋषिवर, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो आप सबसे सुंदर वन में कुछ समय व्यतीत करने की अनुमति चाहता हूँ। आज्ञा है। अनुमति लेने के पश्चात आप जब तक चाहे यहां रह सकते हैं। चलो ऋषिवर। भाग्यशाली तो हम थे पिताजी, जो हमें आप जैसे पिता मिले। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी ने आपको भोजन ग्रहण करने हेतु बुलाया है। उनसे कह दीजिए कि हमें भूख नहीं। महाराज, वो जा चुकी है। जानता हूं, इसीलिए तो ऐसा प्रतीत होता है मैनावती, जैसे ये भवनी है बल्कि ये सारा संसार सोना हो गया हो। महाराज, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, पार्वती महादेव के सानिध्य में है। अब वो पूरे संसार को अपनी करुणा और दया दृष्टि से प्रसन्न कर देगी। हमने यहां बहुत समय व्यतीत कर लिया है भागवती, अब हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। यहां हो रहे अन्याय से परिचित होते हुए भी आप प्रस्थान का विचार कैसे कर सकते हैं? यहां उपस्थित सारी ऋषि पत्नियां आपकी पूजा करना चाहती हैं, किंतु उनकी भक्ति पर उनके पतियों द्वारा अंकुश लगाकर वे स्वयं की पूजा करवा रहे हैं, क्या ये अन्याय नहीं है? अपने पतियों की पूजा करने के पश्चात यदि उनकी श्रद्धा मेरे लिए, तो परोक्ष रूप से वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। वो अपने पतियों में भी मेरे रूप को ढूंढती है, और ये मेरे प्रति मात्र तो उनकी पूजा ही नहीं, अभी तो अपने प्रेम का प्रस्फुटन भी है। हमें आपके कथन पर संदेह है। यदि ये सत्य है तो आप उनसे उनके पतियों के समान अपनी पूजा अर्पित करवाइए, उसके पश्चात ही हमें आपके कथन पर विश्वास होगा। क्या ये एक चुनौती है देवी? संभव
तुम सबके हृदय में मेरे प्रति जो अपार श्रद्धा है, मैं उससे परिचित हूं और मैं तुम्हें इस भक्ति को अभिव्यक्त करने हेतु सहायता करूंगा। बहुत प्यासा हूं देवी, थोड़ा जल प्रदान करने की कृपा करें। देवियों, भक्ति में तुम सब मेरे वास्तविक रूप से इतने विमुख हो गई कि मेरे इतने समीप होते हुए भी तुम्हें मेरी उपस्थिति का आभास नहीं हो पाया। तुम सबके मन में पति भक्ति का ऐसा भय उत्पन्न हो गया है, भक्ति की उत्पादित भी बंद हो गई। तुम सबके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम वास करता था, तो पुनः जागृत करता होगा। और ये कार्य प्रेम द्वारा ही संभव हो सकता है। अरे इस दुष्कृत्य को शीघ्र समाप्त करो धूम्रलोचन। उचित है ऋषि दधीच, यदि आप में मुझे रोकने की क्षमता है तो रोक लीजिए, मैं चला जाऊंगा। शक्ति का प्रदर्शन करना है तो कहीं और जाके करो धूम्रलोचन, चले जाओ। ऋषि दधीच, तुमने धूम्रलोचन को परास्त करके असुरों को पुनः एक बार युद्ध के लिए ललकारा है। यदि तुम्हें देवताओं की रक्षा करनी है तो अब तुम्हें रक्त बीज को परास्त करना होगा।
Thank you.